इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे 61 किलोमीटर के स्ट्रेच में एक स्मार्ट फेंस लगा दिया गया है। ये स्मार्ट फेंस जो है बेसिकली हाई टेक सर्वेलेंस डिवाइसेस के साथ इक्विप्ड होने वाला है और ये असम के धुबरी डिस्ट्रिक्ट में फिलहाल इस्टेब्लिश कर दिया गया है। अब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 4096 किलोमीटर का पूरा बॉर्डर का स्ट्रेच है और इस पूरे स्ट्रेच में इसी स्मार्ट फेंस का उपयोग होने वाला है आने वाले समय में। पर क्या है ये स्मार्ट फेंस और क्यों इसमें टेक्नोलॉजी का रोल इतना ज्यादा है, बता रहे हैं सब कुछ। तो इस स्मार्ट फेंस के लिए भारतीय सीमा सुरक्षा बल के सैनिक, हथियार और हाईटेक सर्वेलेंस इक्विपमेंट का एक मिश्रण होगा जिससे कि जो बॉर्डर्स हैं उनमें ज्यादा सर्वेलेंस रखी जा सके। इनमें उपयोग होगा हाईटेक डिवाइसेस का जैसे थर्मल इमेजर्स, अनअटेंडेड ग्राउंड सेंसर्स, फाइबर ऑप्टिकल सेंसर्स, रेडार्स और सोनार्स भी। इसमें एरोस्टैट्स भी होंगे, टावर्स और पोल्स भी लगाए जाएंगे कैमरास के साथ। अब इन स्मार्ट फेंसेस के एसेंशियली तीन पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है हाईटेक सर्वेलेंस इक्विपमेंट जैसे कि सेंसर्स, डिटेक्टर्स, कैमरास, ग्राउंड बेस्ड रेडार सिस्टम्स, माइक्रो एरोस्टैट्स और लेजर्स भी। अब ये जो हाईटेक सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स हैं जो बॉर्डर्स पे लगा दिए जाएंगे स्मार्ट फेंस पे, ये डेटा इकट्ठा करेंगे। डेटा कौन सा होगा कि जितनी भी मूवमेंट हो रही है बॉर्डर में, जो कानूनी है जो गैर कानूनी है, सारा एक डेटा जो है वो इकट्ठा होके कम्युनिकेशन चैनल के जरिए भेजा जाएगा कमांड सेंटर तक। और यहाँ पे आता है सेकेंड पॉइंट जो है कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल कैसे होगा एस्टैब्लिश, थ्रू ऑप्टिकल केबल्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन। और जो तीसरा स्तंभ है इस पूरे स्मार्ट फेंस का वो है कमांड सेंटर, जहां पे सीनियर कमांडर्स बैठे होंगे जिनको सारा डेटा भेजा जाएगा फ्रॉम द बॉर्डर और सीनियर कमांडर्स फिर उसके बाद रिसोर्सेज को मोबिलाइज करेंगे। जितने भी हमारे भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जो सैनिक हैं उनकी रिस्पॉन्स टीम्स बना के इफेक्टेड एरियाज पे डायरेक्ट कर दिए जाएंगे। तो ये है स्मार्ट फेंस जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे फिलहाल लगाया गया है असम के धुबरी डिस्ट्रिक्ट में। और 4096 किलोमीटर का जो पूरा बॉर्डर पे स्ट्रेच है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, उस पूरे स्ट्रेच में यही स्मार्ट फेंस लगाने का प्लान है। इस 61 किलोमीटर के स्ट्रेच के अलावा और 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे जहां पे इसी स्मार्ट फेंस का उपयोग किया गया। तो अभी फिलहाल ये 61 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिसमें स्मार्ट फेंस लगा है और प्रोजेक्ट बोल्ड किट के अंदर ये पूरा का पूरा जो स्ट्रेच है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इसके बॉर्डर्स पे स्मार्ट फेंसिंग ही होगी। आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी का यूज हमारे बॉर्डर्स पे भी बढ़ता ही जाएगा और सारे अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं।